या स्टार्ट करते हैं लिमिट एंड डेरिवेटिव क्लास 11th एनसीईआरटी पोर्शन। लिमिट एंड डेरिवेटिव का बेसिक फंडामेंटल जो पोर्शन है वो है क्लास 11th में। इसका कंप्लीट एडवांस पार्ट जो है वो आप 12th में पढ़ेंगे, जो हमने डिटेल में ऑलरेडी कवर किया। इनफैक्ट 11th का भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अब एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कवर कर रहे हैं। लिमिट एंड डेरिवेटिव का बहुत बेसिक पोर्शन है क्लास 11th में। लिमिट को हम पढ़ते ही इसलिए क्योंकि आगे चल के हम जब कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी पढ़ते हैं तो ये उसका बेसिक है। और डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट जब तक नहीं बन सकते जब तक आपको लिमिट, कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी नहीं आती। सबसे पहले हम लिमिट की बात करें। जैसे मैं एक फंक्शन लिखूं, समझिएगा, सपोज मैंने एक फंक्शन लिखा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। अब आपको पता है फंक्शन में हमने पढ़ा हुआ भी है कि इसमें हम 3 पुट नहीं कर सकते, बिकॉज 3 पुट करने पे क्या होगा, 3 पुट करने पे ये 0/0 की फॉर्म है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। इसका मतलब हमें एक बात कंसेप्चुअली समझ में आती है कि 3 पुट करने पे ये ग्राफ कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है। अब हमें इसका बिहेवियर देखना है नेबरहुड ऑफ 3, कि 3 के लेफ्ट और राइट पर बेसिकली इस फंक्शन का नेचर क्या है, ये हमको देखना होता है। तो लिमिट में हम फंक्शन का बिहेवियर देखते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो बोला है जिस पर ग्राफ ब्रेक हो रहा है। अब देखिए, सबसे पहले हम ये समझें, सपोज मैं एफ एक्स इक्वल टू लिखता एक्स प्लस 3 और ये जो लिखा हुआ है दिखने में ये एक है। जब हमने फंक्शन पढ़ा था तो मैंने आपको बताया हुआ था ये इक्वल फंक्शन का कंसेप्ट समझिए, ये एक्स माइनस 3 कैंसिल तो एफ एक्स इक्वल टू मुझे मिला एक्स प्लस 3। दिखने में दोनों फंक्शन इक्वल हैं पर एक्चुअल में इक्वल फंक्शन नहीं है क्योंकि इसमें हम 3 पुट नहीं कर सकते और इसमें 3 भी पुट कर सकते हैं। अब मैं आपका बोलूं कि इसका ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ तो आप बहुत जल्दी बना लेंगे, ये बन गया विदाउट एनी ब्रेक, यानी कहीं पे कोई ब्रेक नहीं है क्योंकि इसकी डोमेन भी रियल नंबर है और इसकी रेंज भी रियल नंबर है। डोमेन मीन्स सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन फंक्शन इज डिफाइंड, रेंज मीन्स आउटपुट। ये फंक्शन में पढ़ा है, बेसिक रिविजन है। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाने के लिए बोलूँ तो एक बात आपको क्लियर होगी कि 3 पर हम 3 इनपुट नहीं दे सकते, तो 3 इनपुट पर अगर मैं 3 रखता तो क्या मिलता, 6, तो मुझे रिजल्टेंट 6 नहीं मिलेगा। मतलब अगर इस फंक्शन की अलग से डोमेन और रेंज हम समझें तो डोमेन होती रियल नंबर एक्सेप्ट 3, वो दिया हुआ ही है, और रेंज होती ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 6। मीन्स अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा होता तो इसके ग्राफ में एक इंपॉर्टेंट बात आती कि 3 के अकॉर्डिंग ये ब्रेक होता। अब ये 3 पे अगर ब्रेक हो रहा है मतलब लाइक दिस, समझिएगा, ये ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हुआ, ये ठीक 3 पे ब्रेक हुआ और ये इस समय पॉसिबल आउटपुट था 6, वो हमें नहीं मिला, ये एक गैप आया, ये बहुत ही माइनर गैप होता है। अब आपको बस ये चेक करना होता है, लिमिट का मतलब ही यही है कि 3 के लेफ्ट और राइट पर फंक्शन का बिहेवियर कैसा है। मीन्स अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 रखें, 2.1 रखें और 2.999999 रखें, याद रखिएगा मैथ्स में 2.999 में इनफाइनाइट टाइम भी लिख दूं तो भी इसका मतलब कभी 3 नहीं होगा। तो हम 3 का लेफ्ट नेवर देखते हैं और सिमिलरली 3 का राइट नेवर देखते हैं 3.001, और हमें ये चेक करना होता है कि इसका बिहेवियर कैसा है, मीन्स इसकी डायरेक्शन कैसी। यही कंसेप्ट है कंटिन्यूटी का, अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है, जिसको आगे जाके हम बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी, मीन्स फंक्शन कंटिन्यूस हो सकता है। और अगर लेफ्ट नेवर पे और राइट नेवर पे बिहेवियर अलग है तो हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूस फंक्शन और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये बेसिक फंडा है। तो लिमिट में हम नॉर्मली उन फंक्शंस की स्टडी करते हैं जो फंक्शन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में होते हैं, और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म पे होते हैं उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट पर हमें फंक्शन के बिहेवियर को चेक करना होता है। अगर फंक्शन का बिहेवियर सेम डायरेक्शन में है तो हम बोलेंगे फंक्शन आगे जाके कंटिन्यूस हो सकता है या आगे उसका हम डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं अगर डिफरेंशियबल फंक्शन है तो। तो आपको जो भी फंक्शन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के होंगे और जिस पॉइंट पर वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो रहा है 0/0, ∞/∞, उन पॉइंट्स के लेफ्ट और राइट पर हम फंक्शन के बिहेवियर की स्टडी करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप स्टडी करो तो आप किस पे करते, आप 3 के लेफ्ट पर करते और 3 के राइट पे करते। फंक्शन सॉल्व करा, डोमेन बताते समय फंक्शन सॉल्व नहीं करते। अब अगर सपोज मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं, आपने पुट किया 2.9 तो आपको मिला 5.9,
आपने 2.99 पुट किया, चाहे इसमें पुट करें चाहे इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस 3 पुट नहीं कर सकते तो आपको मिला 5.99। आपने 2.9999 पुट किया, आपको मिला 5.9999। और सपोज आपने 2.9999999, तो आपको मिला 5.9999999। इसका मतलब, इसको हम ऐसा बोलेंगे कि जितना x 3 के नियर जा रहा है, इसे रीड करेंगे x टेंस टू, जितना x 3 के नियर जा रहा है फंक्शन, उतना ही 6 के नियर जा रहा है, राइट। तो लेफ्ट हैंड पे हमारा एक फाइनल कंक्लूजन निकला कि इफ x टेंस टू 3 देन fx टेंस टू 6। अब हम राइट हैंड पे आए, राइट हैंड मीन्स 3 का राइट वाला वैल्यू, याद रखिएगा 3 पे तो हम पहले ही बोल चुके हैं डिफाइंड नहीं है, 3 पे एक गैप है, ये थोड़ा समझाने के लिए बड़ा पॉइंट ले लिया। तो 3 का लेफ्ट और 3 के राइट पर हमें बिहेवियर को चेक करना है, जिस फॉर्म पे इनडिटर्मिनेंट हो रहा है। अब आपने रखा 3.1, तो 3.1 प्लस 3 मीन 6.1। आपने सपोज रखा 3.01, तो आपको मिला 6.01। आपने सपोज रखा 3.001, आपको मिला 6.001। सपोज आपने रखा, जितना लॉजिक ये, जितना नियरेस्ट 3 के जा सकते हैं उतना नियरेस्ट, मतलब अकॉर्डिंग टू रूल बोलूं कि लेफ्ट नेबर ऑफ 3 एंड राइट नेबर ऑफ 3, जितना इमेजिनेशन है उससे भी कई ज़्यादा, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, इससे भी कई और ज़्यादा हम नियर जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम एक कंक्लूजन बोल पा रहे हैं कि x टेंस टू 3 देयरफॉर fx टेंस टू 6, मीन्स दोनों की डायरेक्शन या दोनों का बिहेवियर एक ही है। अभी कुछ फंक्शन ऐसे भी होंगे जिसमें लेफ्ट और राइट पर बिहेवियर सेम नहीं होगा, वो भी हम एग्जांपल लेंगे। अब यहाँ पर बिहेवियर सेम है, इसका मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि x टेंस टू 3 पर, यहाँ पर हम एक फाइनल कंक्लूजन बोलें कि इफ x टेंस टू 3 देन fx टेंस टू 6, राइट। यही लिमिट का फंडामेंटल कंसेप्ट है, यानी जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म पे वैल्यू थी उसके लेफ्ट और राइट पर फंक्शन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पर इसको इस ढंग से भी लिखा जा सकता है, लिमिट x टेंस टू 3 एक्स स्क्वेयर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 इक्वल टू 6। एंड लॉजिकली समझिएगा, x टेंस टू 3 मीन्स x नॉट इक्वल टू 3, ऐसे ही ये जो मैंने लिखा है 6, अगर इसे थोड़ी देर के लिए fx बोलूँ, fx टेंस टू 6 मीन्स fx नॉट इक्वल टू 6। ये नियरेस्ट पॉइंट ऑफ 3 होता है और ये नियरेस्ट पॉइंट ऑफ 6। तो जब बिहेवियर सेम होता है तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है, और जब बिहेवियर सेम नहीं होता, डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो हम बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जब लिमिट पढ़ते हैं तो ये वर्ड यूज़ करते हैं, यही पोर्शन जब कंटिन्यूटी में पढ़ोगे आप क्लास 12th में, तो जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो हम बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अपोजिट अलग अलग है तो हम बोलेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, राइट। ये बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है, एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल दिया, अब हम इसके एग्जाम्पल्स के साथ इसकी स्टडी करेंगे तो आपको और क्लियर होता जाएगा। तो अगर मैं एक जनरल कंक्लूजन लिखना चाहूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि लिमिट x टेंस टू a fx इक्वल टू l, मीन्स x टेंस टू a देयरफॉर fx टेंस टू l। आपको करना ये होगा कि आपको a का लेफ्ट नेबर चेक करना है और a का राइट नेबर। a का लेफ्ट नेबर मीन्स इसको ऐसे भी लिखा जाता आगे चल के, x टेंस टू a नेगेटिव fx चेक करना है, ऐसे ही ये लेफ्ट हैंड हो गया, ऐसे ही राइट हैंड भी चेक करेंगे, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव fx ये चेक करना है। अब सपोज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड आए तो हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल टू l आए तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ये इसका पॉजिटिव या प्रॉपर मीनिंग होता है। टाइप्स ऑफ मेथड में हम इसके पर्टिकुलर मेथड पे भी जाएंगे, पर लिमिट याद रखना जब भी हम करते हैं जबकि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो, अदरवाइज हम लिमिट को डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं, राइट। इन जनरल अगर हम देखें, इसे फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं, कई बार लिखा भी आता है x टेंस टू a fx, तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो हम x इक्वल टू लेते हैं a माइनस h, राइट। क्या लेते हैं, a माइनस h, ये वाला पूरा पोर्शन बहुत डिटेल में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जो आपको पेनड्राइव में मिलेगा। तो x इक्वल टू a माइनस h, x टेंस टू a देयरफॉर h टेंस टू 0, राइट। ये पुट किया, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h, इसको फाइंड किया,
ऐसे ही RHS निकालते हैं राइट हैंड साइड, क्या होगा? X इक्वल टू ए प्लस एच मीन्स लिमिट S टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच, इसको निकाला एंड देन अगेन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन लिमिट एग्जिस्ट करेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने आपको एक और सॉरी डायरेक्ट तरीका बताया था, आप a माइनस एच निकालें एफ ए प्लस एच निकालें। h की लिमिट हमेशा, h बहुत स्मॉल नंबर है, मीन्स s टेंस टू हमेशा जीरो। ये एक आइडिया दे रहा हूँ, अभी सब मेथड के साथ फिर डिस्कशन करूँगा। h की वैल्यू जितनी आप इमेजिनेशन कर सकते हैं उतनी, बट कभी भी जीरो नहीं, राइट? अब इसके मेथड्स क्या हैं, इसके फंडामेंटल कंसेप्ट क्या हैं, वो हम एग्जांपल्स के साथ इसका रिमेनिंग थ्योरी पार्ट कवर करेंगे, तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर आपको लिमिट क्लियर नहीं हुआ तो कंटिन्यूटी क्लियर नहीं होगा, कंटिन्यूटी नहीं हुआ तो डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होगा, और ये तीनों नहीं हुए तो आपको ना डिफरेंशिएशन ना इंटीग्रल कुछ भी नहीं बनेगा। ये 12th क्लास का एक तरह से समझ लीजिए बेस पोर्शन है, जो आपको बहुत अच्छे से कवर करना चाहिए। नोट डाउन, यस, मेथड ऑफ लिमिट पे आते हैं। नंबर वन है, मेथड नंबर वन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मीन्स, सपोज मैं आपको क्वेश्चन दूं, लिमिट, एग्जांपल से समझिए फिर हम एनसीईआरटी के एग्जांपल लेते हैं, पहले बेसिक बता रहा हूँ। सपोज मैंने लिखा लिमिट एक्स टेंस टू वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन। रिमेंबर, लिमिट हम तभी सॉल्व करते हैं जब जीरो बाय जीरो और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म होती, मिस इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती, बार बार ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पर वन पुट करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपने वन पुट किया तो ये जीरो बाय जीरो की फॉर्म नहीं है, तो वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन टू बाय टू, दिस इक्वल टू वन, राइट? यहाँ पर हमें बिहेवियर भी चेक नहीं करना है क्योंकि फंक्शन कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा है। एक्चुअल में लॉजिक ये है कि फंक्शन का ग्राफ अगर कहीं पर ब्रेक हो रहा है तो जिस पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है उसके लेफ्ट और उसके राइट पर हमें बिहेवियर चेक करना होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट के। ये हमारा लिमिट का बेसिक फंडा है। तो यहाँ पर ब्रेक ही नहीं हो रहा है इसलिए हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सपोज मैं क्वेश्चन दूँ लिमिट एक्स टेंस टू टू, वन अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस फोर। आपने अगर सपोज टू पुट किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टू पुट किया तो क्या आ जाएगा, फोर प्लस फोर रूट एट मीन्स वन अपॉन टू रूट टू। सपोज क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू साइन एक्स, आप डायरेक्टली पुट कर दीजिए तो आंसर आ गया वन। और सपोज लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस एक्स, जीरो पुट किया तो क्या आ गया वन। तो इनिशियल एक्सरसाइज में बिल्कुल ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर लिमिट में जीरो बाय जीरो या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म नहीं है तो आप डायरेक्टली लिमिट को पुट कर सकते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। हर क्वेश्चन का एंड इसी मेथड से होगा, राइट? नोट डाउन, यस, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर वन देखते हैं। देखिए हम क्योंकि हमारा अभी इस सेशन में टारगेट ही है एनसीईआरटी को कंप्लीट करना एग्जांपल के साथ एक्सरसाइज, तो हम डायरेक्टली एनसीईआरटी के एग्जांपल के साथ ही डिस्कशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर वन है लिमिट एक्स टेंस टू वन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। सिंपल, अगर मैं वन रखता हूँ तो कोई इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं, तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, वन माइनस वन प्लस वन, फाइनल आंसर इज वन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड देखिए क्या, लिमिट एक्स टेंस टू थ्री एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री। अगर मैं आपसे बोलूँ थ्री पुट कर दें तो क्या होगा, थ्री इंटू थ्री प्लस वन, फोर थ्री जा ट्वेल्व, राइट? तो जिन क्वेश्चंस में इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है वहां पर लिमिट आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यस, एग्जांपल नंबर टू देखते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर टू में फाइव क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फाइव क्वेश्चन से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर वन जो है, वन रखने पर सबसे पहले चेक करिए वन प्लस वन टू, कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी आप वन इसमें तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते थे टू बाय हंड्रेड एंड वन, राइट? जब क्वेश्चन नंबर टू पे जाएंगे तो आपने जब रखा इसमें टू, तो सबसे पहले देखिए टू रखने पे होगा क्या, एट फोर सिक्सटीन प्लस एट बाय फोर माइनस फोर मीन्स जीरो बाय जीरो। मीन्स यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर टू से स्टार्ट करते हैं मेथड नंबर टू। इनफैक्ट फंडामेंटल मेथड की बात करें तो यहाँ से स्टार्ट होता है बाय फैक्टराइजेशन। अगर फैक्टर बन सकते हैं तो हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम समझें जैसे एक एग्जांपल जो मैंने लिया था वो फैक्टराइजेशन मेथड पे ही बेस्ड था, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन अपॉन एक्स माइनस थ्री। आपने थ्री पुट किया, जीरो बाय जीरो फॉर्म है, इनडिटर्मिनेंट है, फैक्टर बनाए। ये पूरा पोर्शन मैंने बहुत डिटेल में आपके साथ कवर किया, ये तो बहुत ही बेसिक है, अगर आपने वो डिटेल वाला कवर कर लिया तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए फैक्टर कैंसिल, तो लिमिट x टेंस टू थ्री एक्स प्लस थ्री, थ्री रख दीजिए तो आंसर आया सिक्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको समझाना चाहूँगा, कभी भी याद रखिए लिमिट x टेंस टू a में a पुट करने पर fx अपॉन सपोज gx है,
राइट, ए पुट करने पर एफ ए अपॉन जी ए सपोज 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में आता है, राइट तो इसको अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हम कर रहे होंगे सॉल्व, तो हम एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं जो हमने कवर किया है, इसमें भी बताऊंगा बाद में। अगर सपोज जनरल मेथड की बात करें तो ये फैक्टर जो इसको 0/0 के फॉर्म में बना रहा है, अगर आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से x माइनस ए को कैंसिल कर दें तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म खत्म हो जाती है, तो आप फिर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर x टेंस टू माइनस ए दिया हो तो आप x प्लस ए को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कैंसिल करें, और सपोज x टेंस टू जीरो दिया हो तो आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से x को कैंसिल करें। जैसे यहाँ पर x टेंस टू टू है तो हमें x माइनस टू फैक्टर को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट करना है, ये इसका बेसिक हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जब हम क्वेश्चन नंबर टू पे आएंगे तो देखिए लिमिट x टेंस टू टू, आपने इसमें से पूरे में से x कॉमन निकाला तो एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, राइट क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू टू x इंटू इसको x माइनस टू का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं x माइनस टू एक्स प्लस टू, x माइनस टू कैंसिल, यही आपको ऑब्जेक्ट फंक्शन होता है, तो x इंटू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू। अब अगर मैं बोलूँ आप 2 पुट कर दें तो क्या होगा, 2 इंटू टू माइनस टू 0/4, लिमिट का आंसर 0 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इन्फिनिटी भी हो सकता है लिमिट का आंसर, बस 0/0 की फॉर्म नहीं होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर हुआ 0, राइट। आपको इसमें ये पूरे 5 क्वेश्चन जो है उसमें फर्स्ट को छोड़ दें तो अदर क्वेश्चन जो है वो फैक्टराइजेशन मैथड से करना है, राइट। अब देखिए अगर आप थर्ड एग्जाम्पल पर ध्यान दें, कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं, इसका रेसिप्रोकल है यहाँ पर, तो हम डायरेक्टली अगर देखें तो इतना हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो आप बताइए एक तरह से ऐसा मिलेगा रिजल्ट x प्लस टू अपॉन x इंटू एक्स माइनस टू, अब आप 0/2 रखेंगे तो 4/0, दिस इज इन्फिनिटी, और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म लिख के भी छोड़ सकते हैं, राइट। तो लिमिट के आंसर इन्फिनिटी भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, बस 0/0 के फॉर्म या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म नहीं होना चाहिए। नॉर्मली इसको इन्फिनिटी नहीं मिलेगा, हो सकता है लिखा हो इनडिटर्मिनेंट, राइट और इन्फिनिटी भी लिख देंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू टू एक्स क्यूब, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स माइनस टू अपॉन नीचे एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री फैक्टर बन गया। अब देखिए अगर आप इसमें 2 रख देंगे तो ये भी 0/0 की फॉर्म है और यही फैक्टर है जो कैंसिल करना है, कैंसिल किया तो क्या मिला, लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3, 2 पुट किया 4 अपॉन माइनस 1, करेक्ट आंसर इज माइनस ऑफ 4, राइट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है देखिए, लिमिट x टेंस टू 1 एक्स माइनस 2 अपॉन, इसका अगर मैं कॉमन ले लूँ x, तो x इंटू एक्स माइनस 1, माइनस 1 अपॉन x अगर मैं कॉमन लूँ तो एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2, राइट। अब इसको अगर मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूँ तो क्या होगा, देखिए x माइनस 2 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1, माइनस 1 अपॉन x, x माइनस 1 x माइनस 2, राइट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 x इंटू एक्स माइनस 1 x माइनस 2, राइट x इंटू एक्स माइनस 1 कैंसिल तो x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस x, x माइनस 1 ये सब कैंसिल तो माइनस ऑफ 1, राइट। अब आप एक तरह से ऐसा सोचिए आपको कौन सा फैक्टर कैंसिल करना है, x माइनस 1, इसको क्यों ना हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रीड करें। अगर मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रीड करूँगा तो देखिए क्या होगा, समझिएगा। अच्छा लिमिट में जब तक क्वेश्चन कर रहे होते हैं लिमिट पुट नहीं करते, लिमिट लिखना चाहिए, तो अब आगे जाके कई बार मैं लिखना भूल जाता हूँ या नहीं लिखता हूँ क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से चलता हूँ, तो ना लिखी हो तो आप लिख लीजिएगा क्योंकि अभी हमारा ऑब्जेक्ट एनसीईआरटी सॉल्व करना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एक्स माइनस टू माइनस 1, एक्स माइनस 2 प्लस 1, ये देखिए फैक्टर बन गए, आप इसको ओपन मत करिए, एक्स और ओपन करते तो भी यही निकलते फैक्टर। अब देखिए क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 x माइनस 2, जब तक
x माइनस वन, अब x टेंस टू वन दिया तो x माइनस वन फैक्टर कैंसिल नहीं होगा, आप लिमिट पुट नहीं कर सकते, वही इसकी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। तो ये हो गया x माइनस थ्री अपॉन x इंटू एक्स माइनस टू, वन पुट किया तो माइनस टू माइनस वन, तो नेट आंसर इज टू। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं। एक फंडामेंटल फॉर्मूला है, थ्योरम से बोल सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a। मैथमेटिकल इंडक्शन में मैंने आपको बताया हुआ था x पावर n माइनस a पावर n का एक फैक्टर हमेशा x माइनस a होता है। मीन्स अगर मैं आपसे बोलूँ इसको डिवाइड करो तो देखो आपको मैं बताता हूँ ये रिजल्ट आएगा, x पावर n माइनस a पावर n इक्वल टू x माइनस a इंटू x पावर n माइनस वन प्लस x पावर n माइनस टू इंटू a प्लस x पावर n माइनस थ्री इंटू ए स्क्वायर अप टू लास्ट टर्म a पावर n माइनस वन मिलेगा। राइट, ये आप अगर इसमें डिवाइड करोगे x माइनस ए का तो अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन हुआ, ये थ्योरम हुई, लिमिट x टेंस टू a जो इसको 0/0 बना रहा था, x माइनस ए इंटू x पावर n माइनस वन प्लस x पावर n माइनस टू इंटू ए x पावर n माइनस थ्री इंटू ए स्क्वायर अप टू a पावर n माइनस वन। राइट, अब इसको आप थोड़ा ऐसा सोचिएगा जैसे x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा होता है, तो हम लिखते हैं x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। देखिए एक फैक्टर x माइनस ए आया, अगर पावर 2 थी तो यहाँ कितने टर्म है, 2 टर्म है। ऐसे ही अगर मान लो x क्यूब माइनस ए क्यूब होता तो आप लिखते हैं x माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस ए स्क्वायर। राइट, ये देखिए x माइनस ए एक फैक्टर आया और ये पावर 3 थी तो 3 टर्म हुए, वैसे ही यहाँ पर पावर n थी तो ऑब्वियसली ये n फैक्टर होंगे। अब x माइनस ए, ये x माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल, आपके पास क्या आया, लिमिट x टेंस टू a x पावर n माइनस वन प्लस x पावर n माइनस टू इंटू ए। ऐसे सोचिए कि a की पावर 1 से लेके n माइनस वन तक टर्म ये हैं और एक टर्म a पावर 0 वाला, जैसे फिंगर कितनी है 0, 1, 2, 3, 4, काउंटिंग में 4 लग रही है, 0, 1, 2, 3, 4 पर 0 आ जाए, काउंटिंग नंबर है तो टोटल फिंगर 5, वैसे यहाँ पर a पावर 0 है, तो 0 से लेके n माइनस वन तक मीन्स n टर्म है। क्या क्या मिला, n माइनस थ्री ए स्क्वायर अप टू a पावर n माइनस वन। x के प्लेस पे जब मैं a पुट करूँगा तो a पावर n माइनस वन, a पावर n माइनस टू और a पावर 1 तो a पावर n माइनस वन, a पावर n माइनस वन अप टू n टाइम्स, मीन्स n टाइम्स ऑफ a पावर n माइनस वन। तो ये पहला फार्मूला आपके सामने आया, मैंने विद प्रूफ बताया, बाकी इसको एल हॉस्पिटल से भी हम क्रॉस चेक करवाता हूँ मैं भी आपको। क्या आया फार्मूला, लिमिट x टेंस टू a x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n टाइम्स ऑफ a पावर n माइनस वन। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, x पावर n माइनस a पावर n इक्वल टू x माइनस a इंटू x पावर n माइनस वन प्लस x पावर n माइनस टू इंटू a से लेके a पावर n माइनस वन तक। नोट डाउन, यस। तो इस फॉर्मूले के कुछ बेसिक लॉजिक समझ लें हम, लिमिट x टेंस टू a x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a देन n इंटू a पावर n माइनस वन, लिमिट x टेंस टू a x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x पावर m माइनस a पावर n n बाय m a पावर n माइनस m। आप खुद समझ सकते हैं कैसे, बिकॉज दोनों में x पावर n माइनस x माइनस a का डिवाइड x पावर a का मल्टीप्लाई करें तो ये ऐसा मिलता है n इंटू a पावर n माइनस m n इंटू m इंटू a पावर m माइनस वन, तो फाइनल रिजल्ट निकल के ये आता। अच्छा, इसमें याद रखने का तरीका मैं आपको जो बताऊंगा वो ये है कि x टेंस टू a है तो इसे रीड करो x माइनस a, यहाँ पर भी x माइनस a होना चाहिए और यहाँ पर भी x माइनस a होना चाहिए और पावर सेम होने पर n इंटू a पावर n माइनस वन लिख सकते हैं। सपोज ये लिमिट x टेंस टू 1 हो, अब 1 की पावर 1 कुछ भी हो 1 ही मिलेगा, तो इस केस में आंसर होगा केवल n। सपोज लिमिट x टेंस टू 1 x पावर n माइनस 1 अपॉन x पावर m माइनस 1 हो तो डायरेक्टली n बाय m। राइट, इनके कंसेप्ट में अभी आपको एल हॉस्पिटल रूल बताऊंगा, उससे भी बहुत इजीली समझ में आता है क्योंकि इस फॉर्म का क्वेश्चन हमेशा
एल हॉस्पिटल फॉर्म से हो जाता है, पर वो आप क्लास 11th में यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए अभी मैं उस पर डिस्कशन नहीं करूँगा। अभी हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही फोकस करते हुए चलें तो अच्छा रहेगा। नोट डाउन, यस, एग्जाम्पल नंबर थर्ड पे आते हैं। देखिए क्या एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल थर्ड है लिमिट x टेंस टू 1 x पावर 15 माइनस 1 अपॉन x पावर 10 माइनस 1। मैंने अभी जो आपको फॉर्मूला बताया आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 x पावर 15 माइनस 1 पावर 15 समझ लीजिए, x पावर 10 माइनस 1 पावर 10, राइट। क्या हो जाएगा, सिंपल 15, अब 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, एंड सेम 10 1 पावर 9, 15 बाय 10 दिस इज 3 बाय 2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए सेकंड पे, तो सेकंड के पहले मैं आपको अब थर्ड मेथड बताऊंगा। जब कभी भी रूट वाले क्वेश्चन हो, रिमेंबर, जब कभी भी रूट वाले क्वेश्चन हो, जैसे मेथड नंबर 2 हमने पढ़ा था फैक्टराइजेशन मेथड, अगर रूट वाले क्वेश्चन हो तो नॉर्मली हमें रैशनलाइज करना होता है, तो इसको बोलेंगे हम रैशनलाइजेशन मेथड। क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1, इसको रैशनलाइज कर दीजिए, प्लस से एक्स इंटू रूट 1 प्लस एक्स प्लस ऑफ 1। क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1। देखिए 1 से 1 कैंसिल, क्या मिला, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स अपॉन, 11th में बहुत ही एलिमेंट्री पार्ट है जो आपको कवर करना है, 1 प्लस एक्स प्लस 1, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो 1 मिला, और एक्स टेंस टू 0 पे हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक्स को ही कैंसिल करना होता है। अब एक्स के प्लेस पे 0 पुट किया तो रूट 1 प्लस रूट 1 में आंसर इज 1 बाय 2। चलिए नेक्स्ट आते हैं लिमिट ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लिमिट ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में देखिए क्या है, 11th में बहुत ही लिमिटेड फॉर्मूले हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसका प्रूफ भी मैं बताऊंगा, साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1, लिमिट एक्स टेंस टू 0 टेन एक्स अपॉन एक्स इज ऑल्सो 1, एंड रिमेंबर लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस एक्स अपॉन एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, वो अभी समझाता हूँ। एक्चुअल में लिमिट के कई सारे फॉर्मूले का प्रूफ हम एक्सपांशन फॉर्मूले से करते हैं। एक्सपांशन फॉर्मूले में जैसे साइन एक्स का एक्सपांशन फॉर्मूला है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स पावर 7 बाय फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन। ऐसे ही कॉस एक्स का एक्सपांशन फॉर्मूला होता है, अभी आपको 11th में इनवर्स वाले ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन नहीं है, वो आपको 12th में मिलेंगे, कॉस एक्स का 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स 4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स 6 बाय फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। टेन एक्स का एक्सपांशन फॉर्मूला होता है एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2 बाय 15 एक्स पावर 5 एंड सो ऑन। अब जैसे एक्सपांशन फॉर्मूले लिख रहा हूँ, कई सारे फॉर्मूले जो आपको 11th में नहीं, एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, अदर बुक में मिलेंगे, जैसे ई पावर एक्स का एक्सपांशन फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूले में काम आएंगे आपको प्रूफ में, एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स क्यूब बाय 3, राइट, माइनस हो तो माइनस रख दीजिएगा, नेक्स्ट लॉग 1 प्लस एक्स की फंडामेंटल सीरीज एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स 4 बाय 4 एंड सो ऑन। तो अब हम समझें, अगर हमें इस फर्स्ट फार्मूले को प्रूव करना है तो हम क्या करते, देखिए फर्स्ट को प्रूव करना है तो आप लिखते एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स की सीरीज एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स 7 बाय फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन बाय एक्स। एक्स का थ्रू आउट डिवाइड करते तो क्या होता, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 4 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स 6 बाय फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन। एक्स के प्लेस पे 0 पुट कर देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1, क्योंकि बाकी सारे टर्म में एक्स की हायर पावर है। तो अब यहाँ पर आपके पास ये पहला फॉर्मूला विद प्रूफ समझ में आया आपको, बिल्कुल टेन एक्स में भी देखिए यही होता है, एक्स का डिवाइड किया तो 1 आ गया, बट कॉस का इंडिटर्मिनेंट क्यों होता है, क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है, जब आप x का डिवाइड करते हैं तो यहाँ तो x के साथ साथ 0 हो जाता है, पर यहाँ 1 बाय x मिलता है और 1 बाय 0 इंडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, इसलिए cos x अपॉन x का फॉर्मूला नहीं होता। अब इस फॉर्मूले में एक इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखनी चाहिए आपको, कि एंगल का सेम होना जरूरी है, और ये पूरी कैलकुलेशन याद रखिएगा हम रेडियन में कर रहे हैं, जैसे x टेंस टू 0 sin x अपॉन x
ये सेम होना इम्पॉर्टेंट है, तो क्या आएगा? वन. सपोज सेम नहीं है, ऐसा दिया होता साइन एक्स अपॉन एक्स, तो क्या होता? जब आप सीरीज एक्सपांशन कर रहे होते तो एक सब जगह आता, तो हमें इस समय रिजल्ट मिलता ए. अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप दिमाग में रखने के लिए कि जो कोफिशेंट यहाँ है वही यहाँ बना है, तो ए का मल्टीप्लाई ए का डिवाइड कर लें, तो इसका रिजल्ट वन, तो ओवरऑल रिजल्ट ए. राइट, यही कंसेप्ट 10 में भी ध्यान रखना है. तो इनके कोफिशेंट सेम होना जरूरी है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको बताई कि इस सब का पूरा कैलकुलस, हम बोले लिमिट नहीं, पूरा कैलकुलस रेडियन में हम स्टडी करते हैं. सपोज ये ऐसा दिया होता लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स डिग्री अपॉन एक्स. याद रखिएगा डिग्री के साथ साइन मेंशन करना जरूरी है, नहीं किया तो मतलब रेडियन है. तो इसको गलती से भी वन ना लिख दें बाय मिस्टेक. सबसे पहले एक्स डिग्री इक्वल टू लिखेंगे पाई अपॉन 180 एक्स रेडियन, और इस रिलेशन के साथ जब आप करेंगे तो आपका सही होगा. तो देखिए क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन पाई अपॉन 180 एक्स रेडियन बाय एक्स. अब अभी मैंने एक्स वाला फॉर्मूला लिखा था तो ए आता है, तो आंसर क्या होगा? पाई अपॉन 180. राइट, ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का. ये कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी अक्सर आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये मिस्टेक्स ना हो आपसे. नोट डाउन. यस, तो अब हम फॉर्मूले पे कंसेप्ट बनाएं. तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स हो तो ए. सपोज ऐसा होता लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन साइन बी एक्स होता तो क्या होता? तो आंसर होता ए बाई बी. कैसे? आपको पता है आप इसको क्या करते हैं, साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स का डिवाइड इनटू ऑब्वियसली साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स का डिवाइड. अब देखिए यहाँ पर एक्स एक्स तो कैंसिल, तो बी का मल्टीप्लाई यहाँ ए का, ये वन, तो रिजल्टेंट विल बी ए बाई बी. और जो कंसेप्ट मैं साइन के लिए बता रहा हूँ वही टेन के लिए भी अप्लाई होगा. तो ध्यान रखिएगा जब भी इस तरह का है, जैसे अगर सपोज मैं लिखूँ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स, कैसे सॉल्व करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करेंगे ऑब्वियसली. लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ये हो गया टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन एक्स. राइट, अब एक बात समझिएगा, जो एंगल यहाँ है वो यहाँ होना चाहिए, तो आपने टू कॉन्स्टेंट है लिमिट के बाहर आ जाएगा. एक्स टेंस टू जीरो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, आपने एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया, मतलब एक्स का मल्टीप्लाई किया एक तरह से, और एक्स का डिवाइड किया. ये स्क्वायर है तो यहाँ पर फोर का मल्टीप्लाई फोर का डिवाइड. अब क्या हो गया, देखिए ये टू से कैंसिल, तो वन बाई टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो समझिएगा एक्स, और लिमिट हम अलग अलग लिख सकते हैं साइन एक्स बाई टू अपॉन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर. राइट, तो ये रिजल्ट हुआ वन, बट यहाँ पर जब एक्स के प्लेस पे आप जीरो पुट करेंगे तो ओवरऑल आंसर आएगा जीरो. तो इस क्वेश्चन को अगर आपको इसमें ऐसा, ये एक तरीका हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करने का. अनदर अप्रोच कि अगर क्वेश्चन ऐसा दिया होता, सपोज ऐसा दिया होता तो क्या होता, एक्स टेंस टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर क्या करते हैं आप? तो आप लिखते हैं एक्स टेंस टू जीरो टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन एक्स स्क्वायर. अब ऑलरेडी ऊपर और नीचे डिग्री सेम है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो प्रॉब्लम नहीं है. तो आप क्या करेंगे, टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन एक्स स्क्वायर बाय फोर बाय फोर, तो ये वन बाय टू बाहर आ गया. इसको हम लिख सकते हैं एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाय टू अपॉन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर. अब ये रिजल्ट वन हो गया, तो ओवरऑल वन बाय टू.